नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश से जुटेक में। आज जो डेट है वो है 7 मई 2024, और कल की डेट में मंडे था। मैंने पहले ही बता रखा था फ्राइडे को ही कि रिजल्ट बी फॉर्म फाइनल ईयर का मंडे को डिक्लेयर कर देगा AKTU। हुआ भी ऐसा ही, कल शाम को AKTU ने रिजल्ट तो डिक्लेयर कर दिया, मगर रिजल्ट के साथ कई सारी समस्याएं भी सामने आई, जैसे कि कुछ बच्चों का UFM लग गया है। क्या है समस्या और क्या है पूरी अपडेट, सारी चीज़ों पे बात करूंगा। क्या आज किसी छात्र का रिजल्ट आ सकता है या फिर कल संभावना है, सारी चीज़ों को बताने वाला हूँ। वीडियो को टिल एंड तक वॉच करना। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो या पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करो और फटाफट से बेल आइकन के बटन को हिट कर दो, जिससे कि आने वाले समय में कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। तो फिर देरी किस बात की, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको AKTU ने बकायदा सर्कुलर के माध्यम से रिजल्ट तो जारी कर दिया, और वो रिजल्ट था कि भाई बी फॉर्म पाठ्यक्रम के जो 7 सेमेस्टर के बच्चे थे उनका रिजल्ट जारी हुआ है। साथ ही एक बात और बताई गई, जिसको आप देख सकते हैं कि डिजिटल टैबुलेशन रजिस्टर संस्था की ERP लॉगिन पर यथाशीघ्र अपलोड करके उपलब्ध करा दिया जाएगा, यानी कि परिणाम को बहुत जल्द ही AKTU.ac.in पे आप देख सकते हैं कि अपलोड करा दिया जाएगा। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात, एक बिंदु आप जिस पे आपको गौर करना है कि उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि ऐसे संस्थान के अध्ययनरत छात्र छात्राएं जिनकी ABC ID नहीं बनी थी या फिर नहीं बनाई गई थी, उनका परीक्षा परिणाम शासन तथा विश्वविद्यालय के सक्षम स्तर द्वारा निर्देश व अनुमोदन के अनुपालन में रोक दिया गया। यानी कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कोई ना कोई रिजल्ट में, जैसे कि UFM या कोई अन्य समस्या दिखाई दी है, तो उनका रिजल्ट इसलिए रोका गया क्योंकि उन्होंने ABC ID नहीं बनाया था। और AKTU ने बकायदा कई बार सर्कुलर के माध्यम से, मैंने खुद वीडियो के माध्यम से आप तक ये बात पहुंचाई थी कि आपको अपनी ABC ID ज़रूर बनवानी है, तभी आपको एग्ज़ाम देना है, अदरवाइज फ्यूचर में बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और हूबहू एग्जैक्टली हुआ भी वही, दिक्कत आ रही है छात्रों को। क्या दिक्कत आ रही है, चलिए उस पर बात करते हैं। बीते हुए रात को एक स्टूडेंट का इंस्टाग्राम पे DM आता है, उसका कहना है कि सर आज बी फॉर्म 7 सेम का रिजल्ट आया है और उसमें एक बहुत बड़ा टेक्निकल ग्लिच दिख रहा है, हज़ारों स्टूडेंट्स का UFM शो हो रहा है विदाउट एनी रीज़न। मेरा और हमारे कॉलेज में बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, तो उन बच्चों में गौर करने की ज़रूरत इस बात की है, क्या आपने ABC ID बनवाया था, क्या आपका ABC ID एक्टिव था, अगर हाँ उसके बाद भी ऐसा रिजल्ट शो हो रहा है तो रिजल्ट अपडेट होगा, और अगर ना आपका जवाब है, अगर आपने ID नहीं बनवाया है, तो एक चीज़ आप जान जाओ कि कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट में कोई ग्लिच नहीं, प्रॉब्लम आ रही है, आपने ABC ID नहीं बनवाया, जिसके चलते छात्रों के रिजल्ट को रोका गया है। तो आप देख सकते हैं ये तमाम सारी चीज़ें खुद AKTU की तरफ से आई हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने ID बनवाया था नहीं बनवाया था, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। बाकी मेरी तरफ से जो भी हर संभव प्रयास वो मदद होगा वो मैं करूंगा आपके लिए, बशर्ते आप लोग खुल के मेरे साथ जुड़ो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो, जिससे कुछ भी आपसे मिस ना होने पाए। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि क्या आज किसी छात्र का रिजल्ट आएगा या फिर बचे हुए छात्रों का रिजल्ट कब तक आएगा, तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि कॉपियाँ चेक हो चुकी हैं, ये AKTU पे डिपेंड करता है, आज कल जब भी रिजल्ट जारी कर दे, ऐसे में कल रिजल्ट आने की प्रोबेबिलिटी चांसेस अधिक हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम।